दोस्तों नमस्कार, हमारे APA पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक खास चिन्हों के बारे में, जिसे मिस्टिक क्रॉस के नाम से जाना जाता है, जो हथेली में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बनता है। इस प्रकार से साइन बनता है मिस्टिक यानी रहस्य। ऐसा व्यक्ति जो रहस्य को जानता हो या रहस्य विद्या को जानने की काबिलियत व्यक्ति में रहता हो। लेकिन ये साइन सिर्फ होने से ही नहीं होगा, इसका कुछ कंडीशन होता है। जैसे कि ये साइन को तो एक तो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए इस प्रकार से, तभी जाके इसका फल देखने को मिलता है। एक तो इसको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और दूसरी बात इसको इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी इस रेखा को यानी इस क्रॉस साइन को किसी अन्य रेखा से काट कर ना बना हो। जैसे इस प्रकार से मंगल से कोई रेखा आके हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक क्रॉस बनाए वैसी हो, या इस तरह के कोई रेखा आके इस प्रकार से क्रॉस बनाए, या तो इस प्रकार से भाग्य रेखा को काट के क्रॉस चिन्ह बनाए, तो इस तरह के रेखा को मिस्टिक क्रॉस नहीं माना जाएगा। मिस्टिक क्रॉस वही होता है जो इंडिविजुअल ही होता है। मिस्टिक क्रॉस होने के लिए एक तो उसे शनि पर्वत के नीचे बनना चाहिए, यानी ये जो मध्यमा उंगली है इसके नीचे शनि पर्वत का क्षेत्र है और उसके नीचे ये क्रॉस साइन बनना चाहिए। और दूसरी बात, इस क्रॉस साइन को इंडिविजुअल ही होना चाहिए, किसी अन्य बड़ी रेखा को काटकर नहीं बनना चाहिए, तभी जाके इसका फल आपको व्यक्ति में देखने को मिलेगा। यदि ये सारी बातें फुलफिल हो रही हो तभी इसको मिस्टिक क्रॉस के साइन माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो रहस्य विद्या को जानता हो या रहस्य विद्या को जानने की काबिलियत व्यक्ति में रहता हो, जैसे मिस्टिक साइंस, अकल्ट साइंस जैसी विद्याएं, ज्योतिषशास्त्र, हस्तरेखा, या इस तरह के व्यक्ति जिसको जेम्सटोन के बारे में अच्छा ज्ञान हो, नॉलेज हो, अच्छी समझ हो, या व्यक्ति वास्तुशास्त्र, टैरो कार्ड रीडिंग या फिर तंत्र मंत्र शक्ति का ज्ञान, गुड़ विद्याएं, वैसी चीज़ों का नॉलेज रखने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति में होता है। ऐसे व्यक्ति में इंट्यूशन पावर अच्छा होता है और इस तरह की चीज़ों को व्यक्ति सीखकर उसमें महारत हासिल कर सकता है। यदि जिस व्यक्ति के हथेली में शनि पर्वत के नीचे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में इस प्रकार से क्रॉस साइन बने, तभी इसका फायदा इस प्रकार से देखने को मिलता है। शनि कर्म न्याय दंड का देवता है और शनि अपने आप में एक रहस्यमय ग्रह है, और इसके नीचे ये क्रॉस का साइन जिसमें मन और बुद्धि यानी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा ये दोनों का सम्मिलित शक्ति मिल के व्यक्ति को और भी रहस्यमय बना देता है और व्यक्ति में इंट्यूशन पावर को बढ़ा देता है। लेकिन मेहनत बहुत कराता है ये साइन व्यक्ति को, तभी जाके व्यक्ति में इस साइन का फल यानी व्यक्ति को पूरी श्रेय मिलता है। अब ये साइन कुछ व्यक्तियों के हथेली में शनि पर्वत के नीचे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में ना बनकर थोड़ी सी अलग जगह पर बन जाता है। जैसे ये साइन अनामिका उंगली के नीचे यहाँ पर बन जाए, सूर्य पर्वत के नीचे, या फिर गुरु पर्वत के नीचे इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस साइन बन जाए। तो ये साइन जिस ग्रह पर्वत के नीचे बनता हो, यदि गुरु पर्वत के नीचे बनता हो यानी बृहस्पति पर्वत के नीचे बनता हो, तो व्यक्ति में वैसी सम्मिलित गुण व्यक्ति को इस क्रॉस साइन में देखने को मिलेगा। यदि शनि के नीचे बनता हो तो इस प्रकार से गुण देखने को मिलेगा, और सूर्य के नीचे हो तो वैसी गुण व्यक्ति में देखने को मिलेगा। यदि सूर्य पर्वत के नीचे या गुरु पर्वत के नीचे एक क्रॉस साइन बने, शनि पर्वत के नीचे बनने वाला क्रॉस साइन से थोड़ी सी अलग फल व्यक्ति में देखने को मिलता है। इसके बारे में मैं मिस्टिक क्रॉस के दूसरे वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ऐसे ही पाल्मिस्ट्री से जुड़ा रहस्य को जानने के लिए हमारे APA चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएँ। धन्यवाद।